नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लाने जा रहा हूँ जो होता है बीडीबी टेस्ट। बीडीबी टेस्ट क्या होता है? जब आपका ट्रांसफार्मर बहुत दिन तक चलता रहता है तो उसमें बहुत सारे लॉसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसमें होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो उसमें लॉस हो रहा है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा उसमें ज़्यादा हो गया, नमी ज़्यादा हो गया ऑयल में। तो होता क्या है, उसको चेक करने के लिए हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं बीडीबी टेस्ट, जो बीडीबी टेस्ट किट के थ्रू ही हम उसको चेक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर ऑयल को ला के एक जार पे जो किट का होता है, इसमें एक जार होता है, इसमें डालते हैं ऑयल को। जब डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम धीरे धीरे 2 kV, 3 kV, 4 kV, 10 kV, 20 kV तक समथिंग इसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो समथिंग 30 से 40 kV के बीच में यहाँ पर एक आग प्रोड्यूस होता है। इसका गैप रहता है 2.5 mm से 4 mm के बीच में, इसमें गैप रहता है। ये जो इलेक्ट्रोड रहता है, ये देखिए, तो इसमें क्या गैप रहता है 2.5 mm से 4 mm, एज पर कंडीशन क्या रहता है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या, यहाँ पर एक आग प्रोड्यूस होता है, मतलब हर 30 से 40 kV, ये समथिंग 50 kV के बीच में यहाँ पर एक आग प्रोड्यूस होगा। उसी से पता चलता है कि अपना जो ऑयल है कितना अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है, ख़राब क्वालिटी है, इसमें कुछ लॉसेज, इसमें कुछ नमी, इसमें कुछ मॉइस्चर आया कि नहीं आया। यदि 30 kV से नीचे, 30 kV टू बिलो, यदि ये आग प्रोड्यूस हो रहा है तो समथिंग मतलब हमको इस ऑयल का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया है, इसको हमको फिर से फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बीडीबी टेस्ट क्या होता है। उसमें बस आपको सिंपल बोलना है कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, इसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं, है ना। ये बीडीबी टेस्ट परफॉर्म हो गया, बस आपको इतना बोलना है। थैंक यू।